नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। पूज्य झूलेलाल चालीहा उत्सव समिति द्वारा झूलेलाल मंदिर एच वार्ड में मनाया जा रहा है। भगवान चालीहा महोत्सव का शुभारंभ 16 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक चलेगा। पुरुषोत्तम दास अध्यक्ष जी द्वारा हमें बताया गया, झूलेलाल जल कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनके सहयोगी के द्वारा भी जानकारी दी गई। यह पर्व सभी की सुख शांति के लिए मनाया जा रहा है। मंदिर में हम चलते हैं झूलेलाल मंदिर के उपाध्यक्ष नारायण दास ललवानी जी के पास, बात करेंगे उनसे और लेंगे विस्तृत जानकारी। इसके बाद हम चलते हैं साबू रिजवानी जी से, वह हमें पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं हम नारायण दास ललवानी जी को, इसके बाद सुनेंगे हम साबू रिजवानी जी को। ये झूलेलाल मंदिर और ये जो है 1968 में तैयार हुआ है, वो इसकी जो मेन झूलेलाल का यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। 1968 में मेरे पिताजी द्वारा और हमारे गुरुजी साईं परमानंद बम्बई वाले द्वारा यहाँ जोत जगाई गई थी और धीरे धीरे करके आज 45 साल से चालीहा साहब का भी बहुत यहाँ पर भक्तिमय ज्योति और बेराना साहब शाम को होता है और उसमें फिर संगीत वगैरह और उसके बाद बेराना साहब को सीतादास की बगिया में लेके शहर की देश की खुशहाली के लिए ये व्रत जो भी रखते हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और 40 दिन का जो उपवास है वो बहुत बड़ा कठिन है, उसमें न खाना न पीना न दाढ़ी बनाना न कुछ करना, तो एक सिंधी समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश जाता है। और 40 दिन लगातार ये जो है चालीहा साहब का व्रत रखा जाता है, उसमें दोनों टाइम सवेरे और शाम को आरती भी होती है, पलह भी पड़ते हैं। उसके बाद बेराना साहब को की जोत करके और सीतलदास की बगिया में यहाँ से ले जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके शहर की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए इसी कामना के साथ ये 40 दिन का व्रत रखा जाता है। उसमें जो भी व्रत रखते हैं वो बहुत भाग्यशाली भी हैं और उसमें हम लोगों की खुशहाली के लिए भी वो मनोकामना रखते हैं। तो हमारा समाज, हमारा संत हिरदाराम नगर, राजधानी भोपाल या आसपास के भी जो भी शहर हैं या और भी जितने एमपी में, मैंने तो बोला प्रदेश और संत हिरदाराम नगर के लिए ये सौभाग्य की बात है। तो जहाँ पर संत जी जैसे महान हमको भगवान के रूप में संत जी मिले थे उसका भी हम बहुत अनावरण दिवस और 21 सितंबर का उसका जन्म दिवस भी आता है तो लोकसभा में भी वो भी मनाते हैं। और झूलेलाल मंदिर पे चेती चांद का प्रोग्राम और अर्ध चेती का प्रोग्राम हर साल, उसमें बैंड, शहनाई, नाई ये सभी फ्री
चार्ज से करते हैं। कोई भी चंदा करके मंदिर में किसी से भी नहीं लेते हैं। सब जितने भी ट्रस्टी हैं या मंदिर की तरफ से ये सब किया जाता है। जय झूलेलाल। ये बताइए, चालीहा पर्व जो चल रहा है समाज का, इस विषय में थोड़ा संक्षेप में बताइए। भगवान झूलेलाल सिंधी समाज के ईश देव हैं। सिंध में हिंदुओं पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। वो अत्याचार की समाप्ति हेतु वहाँ के हिंदुओं ने ये तय किया कि सिंधु नदी के किनारे 40 दिन का उपवास करेंगे ताकि हमारे अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। सातवें दिन आकाशवाणी हुई कि हम रतन राय के घर उडेरो लाल के नाम से बालक का जन्म होगा जो आपके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लोग बहुत खुश हुए आकाशवाणी सुनकर, लेकिन 40 का उपवास समाप्त नहीं किया। 40 दिन लगातार रहे। 40 दिन के बाद जैसे मृग बादशाह को पता लगा, यही पता लगा कि ये बालक जो है हमको मारने के लिए जन्म लिया है, इन्होंने अवतार लिया है। बोले अवतार अवतार कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसके बाद वजीरों को भेजा कि इस बालक को ही ले आओ। तो जैसे ही बालक उठाने के लिए वजीर पहुंचे, उल्टे हाथों जाके गिरे। दो बार, चार बार, सात बार ऐसा प्रयास किया। उन्होंने कहा ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, ये अवतार है। बादशाह को बताया ये तो अवतार है, उसे जाके माफी मांग लो। बोले नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद भी उन्होंने महल में बनाया, महल में बुलाया और महल में उडेरो लाल भगवान झूलेलाल के नाम से वहाँ घोड़े पर सवार होके पहुँचे। उन्होंने 3-4 बार तलवार से आक्रमण किया भगवान झूलेलाल पर हाथ वहीं के वहीं रुक गए। ये करिश्मा देख के फिर तूफान आया, आग लगी महल में। उन्होंने समझा कि ये साधारण नहीं है, ये पहुँचे हुए शक्ति है, ईश्वर का रूप है। उन्होंने जाके पांव पड़े, जाके माफ़ी मांगी। मृग बादशाह ने झूलेलाल से माफ़ी मांगी, मैंने अत्याचार किए, मैं कभी अत्याचार नहीं करूंगा, ये प्रण लेता हूं। मैं प्रेम एकता भाईचारे से चलकर अपने समाज वालों को, अपने नगर वालों को, हमेशा जनता को खुश रखूंगा और अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर जनता की खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने जिंदा पीर के नाम से मंदिर भी बनाया भगवान झूलेलाल का, ताकि उनकी पूजा हो सके और कोई अत्याचार न हो, कोई इस प्रकार का दुर्घटना न हो, ताकि हमेशा प्रजा खुश रहे। प्रजा खुश करने के लिए ही भगवान झूलेलाल का, प्रजा की जवाबदारी आपके ऊपर है कि प्रजा को खुश करो, जनता को खुश करो, जनता के कल्याणकारी कार्य करो। स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, अस्पताल खोलो, ऐसे अनेक कार्य उन्होंने बताए कि आप सेवा के कार्य में करते रहें। यही प्रेरणा मिली और उससे लगातार चालिया साहब मनाते आ रहे हैं। चालिया साहब भगवान झूलेलाल का बड़े से बड़ा त्यौहार है। इससे आकाशवाणी के बाद जो अवतरण हुआ भाई रतन राय के घर में, वो अवतरण भी चेटी चांद के दिन हुआ। तब उसको चेटी चांद के दिन ही नया साल हमारा प्रारंभ हुआ। इसीलिए महत्वपूर्ण चेटी चांद है, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि चेटी चांद ही चालीस साहब की उत्पत्ति है। इसलिए चालीस साहब के कारण ही चेटी चांद हुआ। इसलिए ये हर्षोल्लास के साथ बहराने साहब की पूजा की जाती है, भजन कीर्तन होते हैं, आरती होती है, अनेक प्रकार की पूजन कार्यक्रम होते हैं और कठिन से कठिन, ये आज के युग में ये कठिन और तपस्या पूर्ण त्यौहार हैं, तपस्या पूर्ण उपवास हैं। और बहुत हमारे भाई बहन माताएं श्रद्धा से ये त्यौहार रखते हैं ताकि हमारी जनता खुश रहे। हमारी जनता में यह पलव की भी परंपरा है।
पलव भी सामूहिक होता है। जब एक आदमी भगवान के चरणों में आराधना करता है तो उसकी सुनते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से प्रार्थना और झोली फैला कर प्रार्थना उसमें बड़ा महत्व है, बड़ी उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको कोई बच्चा न हो, जिसको कोई तकलीफ हो, किसी को शांति की तकलीफ हो, ये तकलीफों के निवारण हेतु तथा देश की सेवा करने के लिए ये हम प्रण करते हैं, आराधना करते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली बने। देश शक्तिशाली होगा तो हम शक्तिशाली होंगे, यही भावना से हमारे झूलेलाल की प्रेरणा है कि प्रेम एकता भाईचारे के साथ साथ सिंधु संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप कार्य करते रहें और देशभक्ति का बुलंद आवाज से सेवा करते रहें। देश सर्वोपरि है, उन्हीं का यही अर्थ है जिसके कारण चालीसा साहब का व्रत, चालीसा साहब का त्यौहार मनाया जाता है।